अस्सलाम वालेकुम। मैं आधा किलो करेला ली हूँ। आज मैं करेला की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ करेला की सब्ज़ी। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। इसे हम हल्का छील लिए हैं और इस तरह से मैं काट लूँगी सारे को। बहुत कोई करेला खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये कड़वा लगता है, तो मेरे तरीके से आप बनाइए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और इसके लिए हम 2 से 3 मीडियम साइज आलू ले लिए हैं और 2 से 3 प्याज ले ली हूँ मैं। देखिए हम करेला काट चुके हैं। अब इसमें हम नमक डालकर इसे मल कर कुछ देर, इसे 15 से 20 मिनट रख दूँगी। ऐसे रख देने से नमक डालकर मल के इसका कड़वापन निकल जाता है। ज़्यादा नहीं लगेगा कड़वा, बहुत इंसान कड़वा की वजह से नहीं खाते हैं लोग। इस तरह से बनाने से कड़वा कम लगती है और कड़वा भी नहीं लगती ज़्यादा। तो इसे अच्छी तरह से मैं मल लूँगी पहले। तो देखिए हम इसे अच्छी तरह से मल लिए हैं। अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह। अब आलू और प्याज मैं काट लेती हूँ। प्याज इसमें ज़्यादा ही लगता है करेला में, तो हम प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लिए हैं। आपके पास जितना करेला उस हिसाब से प्याज ले लीजिएगा। तो आलू इस तरह से हम काटे हैं। अब मैं करेला देख लेती हूँ। 15 मिनट हो चुका है। करेला को हम अच्छे से मल कर इसका पानी पूरा निकाल लेंगे। कड़वा पानी बिल्कुल निकल जाएगा इसका। छान कर मैं इसे निकाल लूँगी अच्छे से। इसके बाद हम इसमें साफ पानी डालकर 1 से 2 बार धो लूँगी ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए, बिल्कुल कड़वा ना लगे। देखिए कितना कड़वा पानी निकल चुका है। ये अच्छी तरह से सारा करेला मैं इससे निकाल लूँगी। अब मैं ये पानी को फेंक दूंगी और दूसरे साफ पानी में इसे धो लूंगी अच्छी तरह से। इसे भी अच्छे से मल कर धो लूंगी। मोटी बीज मैं निकाल दी हूँ, मुंह में लगती है, और छोटी छोटी बीज जो थी उसे रहने दी हूँ। तो देखिए इसे छान के मैं हटा लूँगी साफ पानी से। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है ये। तो जल्दी से इसे छान लेती हूँ, उसके बाद बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं गैस पर कढ़ाई रखी हूँ, इस पर मैं मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। आप जो तेल से बनाते हो खाना वही तेल यूज़ करिएगा आप अपने। तो चलिए अच्छी तरह से गर्म हो गया है, चारों तरफ से मैं हिला ली हूँ ताकि सटे नहीं। अब मैं इसमें पहले करेला डालूँगी। करेला हल्का गुलाबी करूँगी। इस तरह से करने से करेला का कच्चापन हट जाता है, करेला अच्छा लगता है। मैं इसी तरह से चला चला कर चारों तरफ से हल्का गुलाबी कर लूँगी करेला को पहले। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अब आलू और प्याज मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब आलू और प्याज के हिसाब से ही हम नमक डालूंगे इसमें। सिर्फ आलू और प्याज के हिसाब से ही नमक डालना है। अब इसे बराबर से मैं मिला लूंगी अच्छी तरह से।
चारों तरफ से इसमें धीमी आंच में मीडियम फ्लेम में इसे पकाना है, घुमा घुमा कर चारों तरफ से चला चला कर, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है नहीं तो इस टाइम ये जल जाएगा। कुछ देर लगती है इसे भूनने में, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो देखिए थोड़ा लाल हो चुका है, कुछ और मैं करूंगी इसे। जो आलू लाल नहीं हुआ है उसे अच्छी तरह से फिर उलट पुलट के मैं उसे बनाऊंगी सही से। इसी तरह से चारों तरफ से चला चला कर पकाना है। तो देखिए ये हल्का गुलाबी हो चुका है। 5 मिनट और मैं इसे ऐसी तरह से पकाऊंगी। तो ये अब बिल्कुल रेडी है, 5 मिनट हो चुका है, देखिए बिल्कुल ये रेडी है। अब मैं इसे पूरी को साइड में कर दूंगी चम्मच से, और जितना तेल फालतू है ये निकल जाएगा, तेल इसमें तेल नहीं रहेगा सब्ज़ी में, क्योंकि सब्ज़ी में तेल अच्छा लगता है। करेला का सब्ज़ी में या भिंडी के भुजिया हो या करेला का भुजिया हो, इसमें तेल बहुत ही लगता है। तो इसमें सेट कर दूंगी ताकि तेल इधर से निकल जाए। देखिए कितना तेल है। तब फिर चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।